अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी हमारा मैरीटाइम म्यूज़ियम का पार्ट 2। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है भाई ये जो है। काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं इसकी, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। और साथ साथ रहिएगा, जाना कहीं भी नहीं है। बहुत सारे जो है ना बैरी जहाज़ और कश्तियाँ वगैरह, और मतलब जो हमारे होते हैं ना नेवी के जो जहाज़ वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं भाई। तो ये कश्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, 200 रुपये में आप जो है ना आराम से कश्ती का सफ़र कर सकते हैं। खुद ही चलानी पड़ेगी भैया ये आपको, ठीक है। तो ये एक और जो है ना लॉन्च टाइप सी आ गई है, इसके अंदर हम जाके देखते हैं क्या है। तो ये अंदर से टोटल खाली है, शायद इसमें कोई बारूद वगैरह इस तरह कुछ चीज़ रखी जाती होगी इसीलिए ये ऐसी है। या फिर हो सकता है इमरजेंसी बेसिस में जो है इसके अंदर रहना पड़ रहा हो जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते होंगे, तो समुंदर के अंदर तो ऐसे कुछ होगा आई थिंक, जहाँ तक मेरी सोच है। अगर आपको पता है तो भाई आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। बहुत ही प्यारा जो मैरिटाइम म्यूज़ियम है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है भाई, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप चाहें कराची वाले या कराची से बाहर से जो आए हैं वो लोग भी इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। शारा फैसल पे पीएम म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने वाली साइड से अंदर को ये मैरिटाइम म्यूज़ियम पड़ता है। किसे पूछ लेंगे आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। तो साथ साथ रहिएगा, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आने वाली हैं आगे इंशाल्लाह। आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाऊंगा और एक और जहाज़ भी दिखाऊंगा, बैरी जहाज़ भी दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं जगह जगह जो है मिसाइल लगे हुए हैं। ये जब जंग होती है तो ये समुंदर के अंदर से जो है ना मारे जाते हैं दुश्मन के आप दोस्तों को या बैरी जहाज़ों को, जो कि नीचे से तबाह कर देते हैं और जहाज़ डूब जाते हैं। ये देख सकते हैं जगह जगह ये लगे हुए हैं, पता नहीं ये लोड है या अनलोड है भाई, ये मुझे नहीं पता। ये देख सकते हैं जगह जगह जो है, ये आप एक बैरी जहाज़ के ऊपर मैं आपको ले आया हूँ अभी। ये एक और मिसाइल देख सकते हैं, ये भी एक और मिसाइल। तो चलते हैं आगे वाली साइड पे भाई, जहाज़ की आगे वाली साइड ऊपर जाते हैं, क्या सीन है वहाँ पे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने को। बच्चे वगैरह देख लें आप, खेल रहे हैं खुशी से जो है ना जहाज़ के ऊपर। बैरी जहाज़ है जो, ये देख सकते हैं आप साइड व्यू, बिल्कुल इन्होंने जो है ना सेम समुंदर की तरह का ही सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे, कि ऐसा लगे कि जैसे समुंदर में ही खड़ा हुआ है। वैसे इन्होंने थोड़ा छोटा सा वो बनाया हुआ पानी के लिए, ताकि वो वाली इमेजिनेशन आनी चाहिए, ताकि पानी में ऐसा लगे पानी में। वो सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे मदरसे के बच्चे आए हुए थे, खेल कूद चल रहा था वहाँ पे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, फुल सिक्योरिटी है, फुल मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे कि गुम हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा मसला हो जाएगा। ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं जहाज़ का, टाइटैनिक व्यू जिसे बोला जाता है ना, बहुत ही प्यारा व्यू अभी आ रहा है और बहुत ही प्यारा लुक। ये घंटी जो है मुश्किल हालात में बजाई जाती होगी कभी जोर जोर से, के कोई वार्निंग वगैरह देनी हो या कुछ भी आगे होता है ना, जैसे टाइटैनिक के आगे जो है बर्फ़ का तोदा आ गया था, तो वो उस टाइम भी ये घंटियाँ बजाई गई थी।
इस टाइप की घंटी लगी हुई थी ये। तो अभी हम मैं वापसी आ गया हूँ भाई नीचे की तरफ। ईजीली आप कहीं भी घूम सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, कोई रोकेगा नहीं कि यार आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। किसी भी जहाज़ के अंदर चले जाएं, किसी भी आप दोस्त के अंदर चले जाएं, आप अपना जो है ना वीडियोस बनाएं, तस्वीरें वगैरह बनाएं, कोई इशू नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको। सिक्योरिटी घूम रही है वहाँ पर, मना कोई नहीं करता। बाग में बैठ जाएं आप, बाग के अंदर जो है ना तस्वीरें बना सकें, वो आगे बहुत अच्छा जो है ना व्यू भी बना हुआ है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ पे भी आप इजीली जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तस्वीरें वगैरह बना लें या वीडियो बना लें। ये एक और बोट टाइप सी आ रही है, ये बोट लग रही है मुझे छोटी सी, हमारा प्यारे पाकिस्तान का झंडा। ये देख सकते हैं आप, इसके इन्होंने जाने की जगह नहीं बनाई इस पे, वरना मैं इस पे भी जाता। नए आने वाले लोग सब्सक्राइब कर दें भाई चैनल को, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कोई कमी वगैरह अगर लग रही है वीडियो में तो भाई वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आजकल मैं एक दूसरे ऐप पे जो है वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस पे मज़ा नहीं आ रहा। कल से इंशाल्लाह मैं अपने पुराने वाले ऐप पे ही वीडियो एडिट करूँगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी राइटिंग वगैरह भी करनी होती है साथ साथ, तो वो इसमें ऑप्शन है नहीं अभी। तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ये दो वीडियो मैंने जो डाली हैं वो नए वाले ऐप से डाली हैं। फिंग नाम का एक ऐप है, तो वीडियो ये वाली सही है या पीछे दूसरी जो ऐप्स में बना रहा हूँ वीएन प्लेयर वीएन एडिटर से, वो वाली वीडियो सही है, ये वाली सही है। ये आप देख सकते हैं एक और कश्ती नमा सी बोट है ये, इस पर भी कोई ना कुछ जो है इमरजेंसी बेसिस पे इस्तेमाल होती होगी। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं। ये यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। फिश एक का जो है ना एक्वेरियम भी है, बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ भी हैं अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप अगर ना नहीं जाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो है ना एक एक चीज़ दिखाऊँगा पास से। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा उन्होंने डिज़ाइन बनाया, ये ऊपर जो पड़े हैं ये बहुत ही बड़े बहरी जहाज़ के पंखा जो होता है ना, फैन जो आगे चल रहा होता है, जो चला रहा होता है बहरी जहाज़ को, वो लगाया उन्होंने, उस पर गोल्डन रंग का कलर किया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात के टाइम यहाँ पर पानी फुहारा छोड़ देते हैं, ये फुहारा टाइप सा बन जाता है, वो मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगा आपको।